तो कुछ शंखनाद भी करे यहां से, सिर्फ बैठ के चर्चा करे और फिर निकल जाए, ऐसा ना करे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दिन भर की जो रूपरेखा है उसको एक बार आपके सामने रख दूंगा। हम लोग पहले सेशन में चाहेंगे, हम सब चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस गंभीर मुद्दे पे, इस मुद्दे को गंभीर मानते हैं, शायद इसलिए हम सब यहां बैठे हुए हैं। इस पे शायद चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये गंभीर है या नहीं है। गंभीर तो है, इसलिए हम समय निकाल के आज एक वर्किंग डे पे, और मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए कि आज मंगलवार है। हमने कोशिश किया कि युवाओं का एक सम्मेलन हो एक वर्किंग डे पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में टेस्ट हो रहे हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इंटरव्यूज चल रहे हैं, और ऐसे समय में अगर हम लोग यहां बैठ के विचार कर रहे हैं, कुछ समाधान निकालने की सोच रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मसला है आज की स्थिति में। शायद रविवार का मौका होता तो पता नहीं हम इस हॉल की क्या स्थिति होती। पहला जो सत्र हम रख रहे हैं वो है मंथन का, मंथन करेंगे हम सब, मतलब इस हॉल में बैठे लोग, हम सब के लिए सेशन ओपन होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो मिनट, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर मॉडरेटर रहूंगा, आपका होस्ट रहूंगा, तो ये मॉडरेटर और होस्ट के पास ये अधिकार छीन लिया जाता है कि वो अपनी राय ना रख सके, इसलिए मैं शुरू में रख देता हूं। मेरा नाम अनुपम है, मैं वो हूं जिसके इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए परिवार वालों ने पर्सनल लोन लिया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। मैं वो हूं जिसके 2 साल इसी तैयारी में बीत गए कि इंजीनियर बनना है। मैं वो हूं जिसने 10 की अपने 10th की पढ़ाई के बाद, मैट्रिक के बाद चाहता तो था ह्यूमैनिटीज पढ़ना, आर्ट्स पढ़ना, लेकिन जो गुनाह हम सब कर देते हैं कभी कभी, और शायद हमारा परिवार, परिवेश, समाज उसमें हमारा साथ देता है, तो बनाना तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, डीएम है, कलेक्टर है, यही सब बनाना होता है। तो 2 साल मेरे उस चक्कर में निकल गए, और फिर मैं वो हूं जिसने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की तो भी एजुकेशन लोन लिया, वो पढ़ाई की जो शायद वो करना नहीं चाहता था। मैं वो हूं जब बचपन में ड्रॉइंग करता था घंटों तक, तो माँ बाप कहते थे, मेरे माँ बाप कहते थे कि ये समय बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई कर लो, कुछ नंबर कैसे आएंगे। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये हम सब की बात है। बहुत रुचि थी, लेकिन वो ड्रॉइंग 5th-6th तक जाके फिर वो खत्म हो गया। जो 2 साल ड्रॉप किया उसमें मेरी क्रिकेट में रुचि जग गई बड़ी जबरदस्त तरीके से। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगने लगा कि मैं क्रिकेटर ही बनने वाला हूं। तो उस वक्त घर परिवार रिश्तेदार को लगा कि यह हाथ से निकल गया। और फिर मैं वो हूं जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ली, और फिर 2013 में मैंने नौकरी छोड़ दी। नाम के आगे सो कॉल्ड इंजीनियर तो आ गया, लेकिन जब नौकरी छोड़ी तो 2 तरह की संज्ञाएं मिली मुझे। कुछ लोगों ने कहा कि दो तरह की संज्ञा है, तो 2 तरह की होती है, तो कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मूर्ख है, कुछ लोगों ने कहा पागल है। अच्छा बुरा कहां से मिलेगा। तो सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, मुझे पता है कि कई लोग एसोसिएट कर सकते हैं इस बात के साथ। अब वो जो कोशिश लगातार होती रही, अंततः मैंने उस कोशिश को सफल नहीं होने दिया। आज मैं इंजीनियर नहीं हूं, डिग्री है, इंजीनियर नहीं हूं। एक कहावत है बड़ी पुरानी सी, मार्क ट्वेन की, 100-150 साल पहले उन्होंने बोला था कि आई नेवर लेट माई स्कूल एंड कॉलेज इंटरफेयर विथ माई एजुकेशन। ये मार्क ट्वेन ने 100-150 साल पहले कही थी, लेकिन ये आज के समय में भी कितना तर्कसंगत लगता है कभी कभी, हमारे अपने देश के परिवेश में, हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम दिन रात कहते हैं कि सड़ गई है, दिन रात कहते हैं कि ये पूरी तरह से रॉटन है,
तो आज भी शायद हम उसी चिंता में हैं कि हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है जो करना चाहिए था. क्या है जो, क्या है जिसके कारण इस सिस्टम को हम सड़ा हुआ कहते हैं? हम सब कहते हैं ना कि सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम तो सड़ गई है, बेकार है, खत्म है. मतलब इस पे, इस हॉल में अगर हम जितने भी लोग हैं, हम सब अगर एक घंटे इस मुद्दे पे एक एक घंटे भी बात करें तो 90% ऑफ द टाइम हम सब एक ही बात कर रहे होंगे. इतना ज्यादा कन्वर्जेंस है इस मुद्दे पे, इतनी ज्यादा चिंता, इतनी गंभीर चिंता, 10% 15% ही नहीं बात को कह देगा. और शायद ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सब कहते चले जाएं, कहते चले जाएं, कहते चले जाएं, 2-3-4-5 दिनों तक कहते चले जाएं. इतना गंभीर है मसला ये. लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओपिनियन आए. समय समय लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, हम कई लोग यहां बैठे हुए हैं. तो आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट बस ये है कि 2 मिनट से ज्यादा, मैं रिपीट कर देता हूं, 2 मिनट से ज्यादा प्लीज समय ना लें. बिल्कुल पॉइंटेड बात कहें, स्पेसिफिक बात कहें, और जो बात है उसमें हमें जवाब यह देना है कि क्या है जो एजुकेशन सिस्टम को सड़ा हुआ बनाता है. व्हाट एल्स आर एजुकेशन सिस्टम. तो इस मंथन सत्र में हम इस पर चर्चा करेंगे, व्हाट एल्स आर एजुकेशन सिस्टम. ये हम फिर से ध्यान दे दें कि हम जब बोलने लग जाए इसका हमें ख्याल रखना है. इस सत्र में हमें इस पर बात करनी है. आगे फिर और भी सत्र आएंगे. जो लोग इस सत्र में नहीं बोलेंगे उनके लिए अगले सत्र में मौका आएगा. इसके बाद हम समाधान पे सोचेंगे कि क्या समाधान हो सकता है, क्या किया जा सकता है. जिनके मन में विचार है कि हम समाधान पे कुछ अपनी राय दे सके वो उस सत्र में बोले. और उसके बाद अंत में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो यहां इकट्ठे हुए हैं, हम लोग मिलजुल के क्या कर सकते हैं, उस पर भी एक सत्र होगा. अब करने को तो 20 तरह के समाधान हो सकते हैं ना, लेकिन 20 तरह के शायद हमको ना करना पड़े. तो हम इस पे आ जाएंगे अंतिम सत्र में. ये हम मन बना लें कि किस सत्र में हमें बात रखनी है, 2 मिनट बात रखनी है. और अभी